हेलो स्टूडेंट, आम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड इज दैट इंडेक्स नंबर एक्सरसाइज 1 के हम लोगों ने कुछ सेक्शन देख लिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ई। सम नंबर 1 में क्या बोला है हम लोग पहले वो देख लेते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, यानी कि जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। और हमारे पास डेटा कौन कौन से अवेलेबल है गाइज? आइटम अवेलेबल है ए टू ई, यूनिट अवेलेबल है, प्राइस है 2010 का, प्राइस है 2012 का। अब अगर हमारे पास दो ईयर का प्राइस अवेलेबल होता है तो 2010 हमारा कौन सा होगा? बेस ईयर होगा, यानी कि उसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय पी जीरो। और 2012 का है वो हमारा क्या बन जाएगा? पी वन। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर। उसमें हमारे पास अलग अलग यूनिट है, अलग अलग आइटम्स अवेलेबल है गाइस। अगर हमें जनरल इंडेक्स नंबर नहीं भी बोला होता तो भी हमें पता चल जाता कि अगर दो और उससे ज़्यादा आइटम अवेलेबल है तो हम क्या फाइंड करते हैं? जनरल इंडेक्स नंबर। क्लियर? जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन पी वन बाई पी जीरो इन टू 100 डिवाइडेड बाई एन। आप डायरेक्टली उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करके डिवाइडेड बाई एन करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप सिर्फ पी वन बाई पी जीरो फाइंड करके डिवाइड बाई एन करके 100 करोगे तो भी चलेगा। हम लोग सिंपल मेथड से ही जाते हैं कि पहले इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेते हैं फिर सिर्फ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम करेंगे। क्लियर? तो हमें फर्स्ट वन आई फाइंड करना पड़ेगा, क्या होगा? पी वन बाई पी जीरो इंटू 100। गाइज ये फॉर्मूला लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो जाएंगे। 120 ये पी वन, 110 ये हमारा पी जीरो एंड इंटू 100, यानी कि क्या हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। व्हाट इज आंसर? 109.09। फिर है 70 डिवाइडेड बाई 50 एंड इंटू 100। व्हाट इज आंसर? 140। फिर है 60 डिवाइडेड बाई 40 एंड इंटू 100। व्हाट इज आंसर? 150। 90 बाई 80 एंड इंटू 100, क्या आंसर होगा? 112.5। और फिर है 20 बाई 20 इंटू 100, हो जाएगा हमारा 100। 20 का आंसर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें इसका टोटल भी करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? समेशन पी वन बाई पी जीरो पुट करना है। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ये पूरे इंडेक्स नंबर का टोटल कर लेते हैं। कितना होगा इसका टोटल? 611.59। क्लियर? अब हम लोग उसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूशन। समेशन पी वन बाई पी जीरो इंटू 100, यानी कि इतना जो पोर्शन है वो हम लोगों ने पहले से फाइंड कर लिया है, तो ये डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम लोग 611.59 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितनी अवेलेबल है? 5। तो आंसर क्या होगा हमारा लास्ट वन आंसर? 122.32। तो गाइज ये हो गया हमारा जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर में हमें क्या करना है? एक तो सिंपल इंडेक्स नंबर आप फाइंड कर लो, फिर डिवीजन में हम लोगों को क्या कर देना है? हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ आइटम है वो। अब हम देखते हैं सम नंबर 2। उसमें हम लोगों को क्या करने के लिए बोला है पहले वो देख लेते हैं। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है एंड बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि इंडेक्स नंबर तो फाइंड करना ही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में भी हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं। एक तो लास्ट पेयर यानी कि 1000 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो फिर 1101 यानी कि पासे का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो आइटम्स अवेलेबल है ए बी सी डी, फिर हमारे पास अवेलेबल है प्राइस 2010 का, प्राइस 15 का और क्वांटिटी 10 का, यानी कि 2000 जो 10 का ईयर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस ईयर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पी जीरो। क्लियर? फिर ये क्या बन जाएगा? पी वन। और क्वांटिटी 2010 का है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? क्यू जीरो। क्लियर? इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हमें रिमेंबर करना है कि अगर हमारे पास क्यू जीरो अवेलेबल होता है तो हम लोग लास्ट पेयर फार्मूला यूज करेंगे, क्यू वन अवेलेबल होता है तो हम लोग पासे का फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? यानी कि हमारे पास कौन सा वाला अवेलेबल है? क्यू जीरो, यानी कि हम लोग 1000 वाला फार्मूला यूज करेंगे। समीशन पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाई समीशन पी जीरो क्यू जीरो एंड इंटू 100। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी चाहिए। एक तो पी वन क्यू जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलम, फिर है पी जीरो क्यू जीरो का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट वन करते हैं पी वन एंड क्यू जीरो, यानी कि ये पी वन ये क्यू जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 14 × 8 क्या होगा? 112। 42 × 4 क्या होगा?
168 into 4 320 and 26 into 16 416. फिर नेक्स्ट हमें करना है P0 एंड Q0, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम और ये लास्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है. 10 इंटू 8 कितना होगा? 8. फिर 30 इंटू 4 कितना होगा? 120. फिर 40 इंटू 4 कितना होगा? 160. एंड 20 इंटू 16 कितना होगा? 320. क्लियर? अब हम लोगों को ये वैल्यूएशन नहीं चाहिए, इन दोनों का क्या चाहिए? टोटल, यानी कि समेशन P1 Q0 भी चाहिए. इसका टोटल कितना होता है गाइस P1 Q0 का? 1016. और फिर P0 Q0 का टोटल कितना होता है? 680. अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं, सब अवेलेबल हो गया है. तो 1016 डिवाइडेड बाय 680 एंड इनटू 100, व्हाट इज आंसर? 149.41. गाइस तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर. अगर हमें इसमें इंटरप्रिटेशन करना होता तो क्या करते? 100 से कितना ज़्यादा है? 49.41% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर. सम नंबर 3 ऑफ सेक्शन ई. पहले देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या बोला है. कंप्यूट द इंडेक्स नंबर बाई द मैथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि इंडेक्स नंबर तो फाइन करना ही है, लेकिन वो भी कैसे करना है? टोटल एक्सपेंडिचर मैथड से करना है. सेम टोटल एक्सपेंडिचर आता है तो हम लोगों ने जस्ट आगे के सम में देखा कि हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं. एक तो आई एल यूज़ कर सकते हैं 1000, या तो फिर 1101 यानी कि आई पी यूज़ कर सकते हैं. उसमें से अगर Q0 दिया है तो आई एल यूज़ करेंगे, अगर Q1 अवेलेबल है तो आई पी यूज़ करेंगे. क्लियर? यहाँ पर क्या अवेलेबल है ना वो देख लेते हैं. हमारे पास आइटम अवेलेबल है वीट, राइस, बाजरी एंड तुवेर दाल. फिर देन आफ्टर है कंजम्पशन 2014 का और प्राइस 2014 का, और फिर है प्राइस 2013 का. यानी कि ये क्या हो जाएगा? बेस ईयर. तो ये हमारा बन जाएगा P0. क्लियर? प्राइस 14 का है तो ये बन जाएगा P1, और कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी बन जाएगा Q1. 14 का है इसलिए. क्लियर? अब हमारे पास Q1 अवेलेबल है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आई पी यूज करेंगे, यानी कि 1100 and 1000 वाला फार्मूला. तो ये फार्मूला यूज होगा P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q1 एंड इंटू 100. तो उसके लिए हमें ये दो कॉलम प्रिपेयर करने पड़ेंगे, P1 Q1 एंड P0 Q1. क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करते हैं Q1 एंड P1, यानी कि इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट वन क्या होगा? 15 into 24 कितना होगा? 360. 10 into 45 450. 5 into 20 100. And 3 into 90 270. And what is the total? 1180. अब next one है P0 and Q1, यानी कि ये P0 और ये Q1, first और last. 15 into 20 300. फिर है 10 into 40 400. 5 into 16 80. And last one is 3 into 80 एंड वॉट इज इट टोटल? 1020. क्लियर? अब हमारे पास ये दोनों समेशन अवेलेबल है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. क्या हो जाएगा हमारा? 1180 डिवाइडेड बाई 1020 एंड इन 200. वॉट इज द लास्ट आंसर? 115.69. तो गाइज ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग से इंडेक्स नंबर. अगर इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है? तो 15.69, यानी कि क्या हो जाएगा? 15.69% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 4. सम नंबर 4 में हमें टू क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोला है. हम लोगों ने सेम टेबल में दोनों क्वेश्चन फाइंड करने का अरेंजमेंट कर लिया है. फर्स्ट वन हमें फाइंड करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2008, यानी कि पहले हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें से सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फिक्स बेस से, और कौन सा बेस ईयर लेना है? 2008 वाला. क्लियर? 2008, और उसका वैल्यू कितना है? 32, यानी कि हर किसी के डिवीजन में कितना जाएगा? 32 जाएगा. क्लियर? फिर सेकेंड वन हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर बाई टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ द ईयर 2008 and 9, यानी कि 2008 और 2009 के ईयर का जो है उसके वैल्यू का एवरेज लेके फिर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. क्लियर? तो फर्स्ट वन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर करता है 2008 को लेके, यानी कि हर किसी के डिवीजन में जाएगा 32.
तो हमारा फर्स्ट वन तो क्या होगा कि भाई करंट भी 32, बेस भी 32, यानी कि 32 बाई 32 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, 38 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 118.75। फिर नेक्स्ट वन है हमारा 40 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 125। फिर है 42 डिवाइडेड बाई 32, क्योंकि फिक्स बेस मैथड है, एंड इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 131.25। फिर हमारा नेक्स्ट वन है 45 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 140.63। और फिर है 60 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 187.5। और लास्ट वन है 65 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 203.13। तो ये हो गया हमारा फिक्स बेस है मेथड से इंडेक्स नंबर 2008 को लेके। अब हमें फाइंड करना है एवरेज लेके इंडेक्स नंबर, एवरेज कौन से ईयर का लेना था, 32 और 38 का, क्लियर, 8 और 9 का लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 70 बाई 2 कितना हो जाएगा, 35। तो हमें हर किसी के डिवीजन में कितना डालना है, 35 लेना है, क्लियर। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हो जाएगा, करंट है 32, यानी कि 32 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 91.43। फिर नेक्स्ट है 38 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 108.57। फिर है 40 बाई 35 इंटू 100, क्या आंसर होगा, 114.29। फिर है 42 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, व्हाट इज आंसर, 120। फिर है 45, यानी कि 45 बाई 35 इंटू 100, क्या आंसर होगा, 128.57। और फिर है 60 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, क्या आंसर होगा, 171.43। और फिर लास्ट वन है 65 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100, क्या आंसर होगा, 185.71। तो गाइज ये हो गया हमारा फिक्स बेस मेथड से भी इंडेक्स नंबर और एवरेज मेथड से भी। यहाँ पे एक बात खास हमें रिमेंबर करनी है कि हमें आई का फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है, P1 by P0 into 100। ओके गाइज़।